ये है ब्रांड न्यू टेस्ला मॉडल एक्स प्लाइड एडिशन। और ये जो स्टीयरिंग व्हील आपको नज़र आ रहा है, ये एक नया डिज़ाइन है और ये ऑप्शनल है, ये आपको शायद सब गाड़ियों में नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, और स्टीयरिंग व्हील का ये फ़ायदा है कि आप जो है वो आपको जो इंस्ट्रूमेंट पैनल का व्यू ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, आपको रोड का व्यू ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। इसमें बटन है ऑफकोर्स नॉर्मल गाड़ियों में जैसे आजकल आ रहे हैं, और इससे बहुत सारे फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो टेस्ला का ये है कि इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वही, बस वही एक स्क्रीन है, उसके अलावा इसमें और कोई बटन या कुछ नहीं है। बहुत सी गाड़ी में शॉर्टकट बटन होते हैं, इन्होंने वो सब ख़त्म कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी के आप हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, दरवाज़ा खोलना बंद करना वो भी कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करना है तो वो भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्क्रोलिंग बटन है ना, इससे ये आगे पीछे हो रहा है, और इससे मैं ऊपर नीचे भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें, तो सब चीज़ें इधर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन से ही होती हैं। इसके अपने फ़ायदे नुकसान भी हैं, जैसे ये देखें ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर खुदा न खासा ये स्क्रीन को कुछ हो गया ना, तो फिर गाड़ी गई आपकी तकरीबन। अच्छा, पार्किंग से न्यूट्रल भी करना है तो यहाँ पे लेफ्ट पे जो है वो स्लाइडर है, उसको आप मूव करें तो उससे गाड़ी न्यूट्रल पे से हट के पार्किंग कर देगी। तो अजीब अजीब फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। और ये भी नहीं है बल्कि इसके अंदर गेम्स भी हैं, इसके अंदर स्केचिंग पैड भी है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, यानी फीचर्स ही फीचर्स भरे पड़े हैं। मगर ये प्लेट मॉडल जो है वो, इसने जो है वो बहुत मार्केट को हिला दिया था एकदम से, क्योंकि ये गाड़ी नॉर्मल टेस्ला नहीं है कहीं से भी। ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस मॉडल है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा आपको कार्बन फाइबर मिलेगा, लेदर है, मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, तरफ सीट भी अच्छी हैं, कंफर्टेबल सी हैं। मगर आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर के स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, छोटी सी स्पेस है, इसको आप कवर भी कर सकते हैं। मगर एक और चीज़ है इसके अंदर कि ये कप होल्डर्स भी आप जो है वो चाहें तो आप हटा सकते हैं, उसके अंदर और भी बहुत ही गहरी स्टोरेज स्पेस आ जाती है। अगर आप कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल छुपा के रखनी है तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है टेस्ला की गाड़ी, बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। ये अजीब गरीब स्टीयरिंग व्हील है, जो कि यकीन इसको चलाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यूज़ टू होने में। एक चीज़ अच्छी है कि इसकी जो विंड स्क्रीन है वो ही पैनारोमिक रूफ बन जाती है, उसी में एकदम से जो है वो वो थोड़ा सा शेड चेंज हो जाता है इसका, ताकि धूप से आपको प्रोटेक्ट करें, और बहुत ही पतले से जो इसके अंदर सन शेड है, जो कि कुछ भी नहीं करेंगे सच बताऊँ तो, ऐसी फालतू हुई है तो बिल्कुल। तो हाँ, आप चाहे कुछ भी सोचें इलॉन मस्क के बारे में, गाड़ियाँ उसकी हाँ अच्छी है। कुछ गाड़ियों में इश्यूज़ का भी मैंने बहुत पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो है वो एक वक्त आया था कि बहुत अच्छी नहीं थी, ये सब ऊपर नीचे होता था, लोग शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखते थे। खैर, इसके अंदर रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स हैं, जो आप करीब आएंगे तो ये बाहर निकल आते हैं। ये हैं पीछे की सीट्स, और इसमें पीछे और सीट्स हैं मगर अभी वो नीचे फोल्ड हुई नहीं है, ताकि आपके पास अगर आपको सामान रखना है ज़्यादा तो आप रख सकते हैं। ये है मॉडल एक्स, और इसके पीछे के दरवाजे वो ये ऊपर की तरफ खुलते हैं। अभी मैं इस फ्लैट मॉडल के बारे में बात करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, मगर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये तो इसकी सनरूफ हो गई और विंडो हो गई, और मगर ये जो किनारे पे जो आपको रबर मिल नज़र आ रहा है वो अभी से उसका रंग चेंज होने लगा है, तो वो तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। खैर, सीट्स तो अच्छी हैं, अगर आपको जैसे आगे करना हो तो आप आगे भी कर सकते हैं इसको, बस ये बटन दबा के, और चलो इसको पीछे करते हैं, मगर एक चीज़ दिखानी है मुझे। पीछे पैसेंजर्स के लिए ये फ़ायदा है कि उनके पास भी एक टच स्क्रीन है, अपने वो मल्टीमीडिया, क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ कर यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स के पोजीशनिंग, हीटिंग कूलिंग सब कुछ यहाँ से है, तो ये कि उनको आगे ड्राइवर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, अपने सारे कंट्रोल अपने पास हैं। जैसे आजकल होते हैं ज़्यादातर लग्जरी कार्स में, दरवाज़ा खोल बंद करने के लिए भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर जब खुल जाते हैं तो फिर आप उसको बंद कैसे करेंगे। पीछे की तरफ आते हैं तो ये इसकी लाइट्स हैं, मगर यहाँ पे जो है वो इसका ये चार्जिंग पैड है, तो यहाँ पे आप इसको चार्ज करते हैं, और ये टच सेंसिटिव है, ये वापस बंद हो जाता है। लुक्स वाइज मुझे ये गाड़ी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, बहुत ही गोल भद्दी सी है, और उन्होंने कोशिश किया बिल्कुल मॉडल एस वाला लुक दें इसको। खैर, मॉडल एक्स या एस हो, दोनों में ही सिर्फ फ्लैट आता है, और फ्लैट का जो ये लोगो है ना, यही इसकी पहचान है, इसके अलावा और कोई और जो है इसमें कोई निशानी नहीं है कि ये प्लैट मॉडल है। तो प्लैट मॉडल क्या है? अच्छा, प्लैट मॉडल जो है वो इनका परफॉर्मेंस मॉडल है, और इसके अंदर जो है वो तीन मोटर्स हैं, और ये गाड़ी टोटल बनाती है 1020 हॉर्स पावर, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये इसकी देखिए हेडलाइट्स हैं,
डेटम रनिंग लाइट्स भी हैं। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 262 किलोमीटर पर आवर। और ये देखें, इसमें एयर कर्टन्स भी हैं, एरोडायनामिक गाड़ी को करने के लिए। फ्रंट बम्पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, गाड़ी में ज़्यादा से चेंजेस किए हैं। ब्लैक व्हील्स हैं, ब्लैक ट्रिम है पूरी, वरना ज़्यादातर ट्रिम जो है वो पहले क्रोम होती थी। तो प्लैट मॉडल्स जो हैं वो इंतहाई तेज़ हैं, 262 किलोमीटर फी घंटा में जा सकते हैं, और एक्सलेशन में भी बहुत तेज़ हैं। तकरीबन 2.5 सेकेंड्स इनकी एक्सलेशन है, जो कि बुगाटी वेरॉन या शिरॉन या कोई सुपर बाइक के लेवल की एक्सलेशन है। तो ये देख लें, इसमें आप जो प्लैट मॉडल्स है उसमें ब्लैक व्हील्स आते हैं, और यहाँ पे ये तो खैर स्टैंडर्ड कैमराज हैं, यहाँ पे भी हैं, ये पिलर्स में भी है। वो ये जब आप गाड़ी टर्न करेंगे इंडिकेटर देंगे तो वो आपको जो है वो व्यू देंगे, ताकि आपको टर्निंग करने में आसानी हो। ये गाड़ी है 4 लाख दिरहम तक की। अगर आप मॉडल एस जो ये है, इसमें अगर प्लैट मॉडल लेंगे तो वो आपको तकरीबन 3,80,000 दिरहम की मिलेगी। लुक्स वाइज प्लैट मॉडल बिल्कुल सेम है, आपको दूर से पता भी नहीं चलेगा कि प्लैट है नहीं है।